हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद न्यू वीडियो। आज हम लेके आए हैं बहुत रेकमेंडेड सॉन्ग, बहुत कमेंट मिले इस पर, मतलब किस पे रिएक्ट करो, इस पे रिएक्ट करो, इस पे रिएक्ट करो। तो इसने सोचा कि रिएक्ट करो और आए भी इसके फेवरेट्स के हैं, तो ये रिएक्ट करेगा। ये है मेरे ख्याल से डिस सॉन्ग है ये। ओह माय गॉड, LUG को डिस है ये। इसका नाम तो है, इसका मतलब डिस है, तो फिर इसमें 18 प्लस भी होगा ये। ये तो है। इसका नाम है ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर, ओके। इसमें है तला यूनस और प्रोड्यूस बाय उमेर खान। मेरे ख्याल से जो के ये, क्योंकि छोटे वाले का नाम सिर्फ उमेर है। उमेर है उसका नाम, इसका नाम उमेर खान है, जिसका मतलब ये जो के। बाकी आप बता देना कि जोके तो फिर तो कमाल। और ये आप डिस्क की सीरीज भेज देना कि कौन सा डिस्क किसने किस पे किया और किसने किसको किया और कब, कौन सा पहले है, कौन सा बाद में है। वो एक लिस्ट थी, एक ने शायद भेजी थी हमारे, वो उसने मिक्स करके भेज दी। अच्छा, थी अच्छा। जो चैन के और एलिजली मिक्स थी। सही। स्टार्ट करते हैं वीडियो बगैर किसी ताखीर। और ये वीडियो सॉन्ग सबसे बड़ी बात है, वरना ये डिस वाले ऑडियोस होते हैं, यंगस्टर वीडियो निकालते नहीं है। इसमें इन्होंने वो भी करना होगा ना, हाथों का इस्तेमाल भी करना होगा। कौन सा हाथों का भाई? ओ मतलब बताने के लिए। मुझे भी पता है कि LUG वाले कुक स्टूडियो में आए थे, पता नहीं कौन सा सीजन था, 17 था आई थिंक। नहीं शुरू गए पर शायद, पता नहीं यार, 17-16 था किसी सीजन में। LUG वाले कुक स्टूडियो में आए थे, ये उसका गाना है इनके साथ, मेरे ख्याल से यंग देसी भी था। चलो सुनते गाने में क्या जंग अपनी नहीं है पर अपने भाई के लिए लड़ेगा। जब ये सीन हुआ था तो मेरे ख्याल से मैंने उसको, मुझे किसी ने उसमें बताया था इनबॉक्स में कि 2-3 महीने के लिए ना तलंजुम रिहैब में था, जहाँ पे वो बंद कर देते हैं 4 कमरों में, जो नशे बहुत करता है उनको। ये तभी ये बात बात बोली है कि ये जंग अपनी नहीं है पर अपने भाई के लिए लड़ेगा। और धनी खान बोला क्या, थोड़ा पीछे करते हैं। आज जंग अपनी नहीं है पर अपने भाई के लिए लड़ेगा। मतलब फैमिली के साथ बैठा हुआ हेडफोन जरूर लगा दे, क्योंकि ये तो बहुत टप टप यहाँ से टमाटर मारना शुरू कर दिए इसने, थोड़ा तो पीछे करेंगे। ये फर्स्ट सॉन्ग है शायद में हम लोग डिस पे कर रहे हैं ना। शक्ला बंद करो ये चकला अपना, जरा सच तो पकना, करना वो रैप पे शक्ला है, टेढ़े मेढ़े हाथ अलामा ते लकवा, मोजा सुंगाऊं क्या, तेरी असलियत दिखाऊं क्या, बच्चे मैं आज भी रेलेवेंट तुम जैसो को एक उंगली पे नचा। सोचा था इसने इजी ई बनूंगा, न्यू स्कूल को छापूंगा, बच्चियां घेरूंगा, पर मैं इन सबसे अब अकेला लड़ूंगा, ये तबाह हुआ था मैं दफन करूंगा। जैसे गोर कंटेस्ट तेरी बॉस एंड यू एक्ट निगा डोंट टॉक मच, मेरे बारे में ये इंस्टाग्राम पे जाके लाइव बातें करे, बच्चे बेला वजह भौंक मत, मैं लिरिकली हार्ड बॉल को जैसे आग और ये लफ्ज़े अंगारे, माय होमी आई एम सैवेज यू एवरेज, तेरे जैसे बहुत बड़े हैं एंड सेंट पैट्रिक्स एंड मैविक यू टेररिस्ट, कम विद द पैरेडिस, लेट मी राइट फॉर यू निगा, आई बेटर व्हेन यू मैड एट दिस, आई नो यू बैड एट दिस, मेरे अब तैयार कर रहे को स्टूडियो वो गवा के मैं इनके लिए बड़ा खुश कभी सड़ाना, असल मम्मी डैडी तो एलएल चेक के सच्ची बात। शॉट आउट वासिम अज़र, मेरे अपने यार कर रहे कोक स्टूडियो में, उनसे कभी नहीं सड़ा, तेरे से क्यों सड़ूंगा, तू कल का बच्चा है। Right for you nigga, I better when you mad at this, I know you're bad at this, mere ab tayar kar rahe ko studio wo gawa ke main inke liye bada khush kabhi sadana, asal mummy daddy to hai dil ke sachi baat, maine pehle kabhi kisi ko ye kaha na, kya teri us nimra ko chheda tha ya tere ghar mein main pada tha, shuru mein
निमरा को छेड़ा था, ये निमरा कौन है भाई, हमें भी जानना है ये निमरा कौन है। अगर प्यारी है तो फ्रेंड्स बनाएंगे, प्यारी है तो बताओ, हम भी फॉलो करें उसको। मजाक कर रहा हूँ, मैं फॉलो नहीं करता किसी को। ले हो जा भाई। गवा के मैं इनके लिए बड़ा खुश कभी सड़ाना, असल मम्मी डैडी तो एलएलजे के, सच्ची बात मैंने पहले कभी किसी को ये कहा ना, क्या तेरी उस निमरा को छेड़ा था या तेरे घर में मैं पड़ा था। शुरू में ये सबके उठाते थे आबिद ब्रोयन पर, तो अब उसको नीचा दिखाते, ये पीछा छुड़ाते हैं रिबन में। लैरी से वो भी लैरी था, उसका बड़ा सॉन्ग मशहूर हुआ था समवर्ट्स पर, समवर्ट्स पर क्या था इस तरह नाम था, बड़ा मशहूर हुआ था गाना। और इनके साथ एक सॉन्ग भी उनका आया हुआ है ना के साथ, 2018 का ही है, कोयटा गए, कोयटा वाला, कोयटा टीम सही, है सही, 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 कोयटा कोयटा आबिद ब्रोयन, तभी मेरे को याद आ रहा है आबिद ब्रोयन नाम सही। इनका मैनेजर भी यार मेरा सोचे कैसे जाता हूँ मैं, बात नहीं है मेरे पास इनको काटेंगे। I'm confused के अब्दुल वहाब खान के सर पे बाल या चाटे हैं, और ब्रस्तों के काटे हैं लफ्जों से काटे, हम कितने पुराने पूछ लोगों से जाके, क्यों बाप की इज्जत ये करने ही बातें, मेरी नाजायज औलादे हम काबिल ये बातें, हम काबिल ये बातें करे हुआ ना काबिल, उम्र को छोड़िए एक्सपीरियंस है काके, इनकी उर्दू कमजोर तो ये प्लान बनाते, महीने लगाते हम एक दिन में कागज जलाते, हमेशा सिरे दस साथ आगे हुए काले बातें मेरा ले याद है, दिन में कागज जलाते, मतलब पिछले साल इन्होंने 45 प्लस सॉन्ग निकाले हैं, माइंड ब्लोइंग, मतलब आग लगा दी आग, पाकिस्तानी हिप हॉप को यहाँ से यहाँ पे ले गए, बाकी नहीं देसी हिप हॉप को समझ लो, हम घुस के फट जाते हैं इनसे ज्यादा, मेरे सुनने वाले जितने हैं कि टोटल गाने होते मेरे सोलो, तभी चल रही चौथे पे गाने लोगों से सुने मेरे बारे, उन्हें रटे मेरे गाने, सोचे ये किसी के हाथ क्यों नहीं आ रहे बेचारे, हम उभरते सितारे तुम छू भी ना पाओगे, बेशक अब छाप लो तू सारे, फिर भी नू भी कहलाओगे, सोचा भी कैसे के बाप को हराओगे मेरा एक भी गाना हिट नहीं, और कहता मेरे दिन कम, ओ गरीबों के लिल पम, तू बन रहे जयकान तो मैं सिंगम, अब पता मजी सटक ली तो बच्चों की आज पटकती मेरी हंस छटी खटक रही, छोड़े पॉप तू कर पैसे को लाद किसी पतंग की बिला वजह लटक रही, शौक था बड़ी लकड़ी का पर लकड़ी अंदर अटक गई, अब गांड अपनी छटक भाई किसी और की, अब लटक भाई लेना अब नैप करना अब डैप बोलना अब हरे हरे ए ए ए ए मादर चोद ये 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 खत्म अभी तो भाई वार्म अप कर रहा है वो अभी भी वार्म अप कर रहा है आज भाई बहुत आए मेरे नाम से इसके पास होने वाले बहुत आए हम लौट आए इनको अब मौत आए सड़क टॉक कड़क बहुत निक मेरा गॉड है अब बातें ना चोद मानने में पे हो इसके गाने के हो मैं बस दो फ्लो तुम छे और हम दो स्पॉन्सर्ड ये लोग हम असली जिहादी कराची से ब्रो इनके गाने में कोई पंचलाइन नहीं है आपस की बात इनकी लड़ ग्रैंड नहीं कभी कोई सुनता ही नहीं मेरा किस करना इनको बनता ही नहीं फिर भी लोग कह रहे हैं जैसे कोई डंडा ही सही है सही है फिर मेरे पास तेरे लिए वक्त नहीं फिर भी तेरी कह के लिए जब हम करेंगे कोक स्टूडियो तो पांची वाला सीन होगा सारी दुनिया देखेगी पेनेडा मैंने से टिस किया और ना ही बोला काला ये तो नकारा पहुंचा कोक तक लेके पटारी का सहारा पर झूठा साला कहता कोक ने पैसा दिया चार बार का और सच नहीं बता रहा मैं तेरा वर्ष भी चीख चीख के रो रहा कोक मुझे क्यों निकाला कोक मुझे क्यों निकाला ये लास्ट वाली तुम डिफाइन करो ये किसका रेफरेंस है मुझे क्यों निकाला कौन किसने कहा था नवाज शरीफ ने कहा सबको पता है किसने मुझे क्यों निकाला मुझे क्यों निकाला पैसा दिया चार बार का और सच नहीं बता रहा अबे तेरा वर्ष भी चीख चीख के रो रहा कोक मुझे क्यों निकाला यानी हमने सोशल इश्यूज पे गाने बनाए हैं तेरी तरह फेमस होने के लिए खुद को सोशल इशू नहीं बनाया इसे कहते हैं असल नॉलेज स्किल और बार्स सबसे बड़ी बात सबको समझ भी आएगा पैसे से बहुत आगे की सोच है तभी आज तक अंडरग्राउंड अपनी मर्जी से जिन जिन की फट गई सिलवा लो जाके तमाम दुआएं बच्चों की बहुत से दूर रखें तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें खुराक लेकर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें oh shit. Yeah. Directed by Abdul Wali Broch. It is fall time. Rebirth, motherfucker. Yo, motherfuckers.
यार मुझे इस सॉन्ग में ज्यादा मजा आया, इस सॉन्ग में ज्यादा इसमें गाली सही टांगे कंधों पे रख दी, मतलब ऐसे ऋषि को दफना दिया खोद कर कुछ। ये ऐसे सॉन्ग्स हमें रिकमेंड किया करो ऋषि को दफना, मतलब भाई भाई इसका फैन हो गया, इसको डेस सॉन्ग्स रिकमेंड, चाहे जिसके बारे में चाहे चैन के बारे में, मेरा बेशक मेरे वो मेरा फेवरेट भी नो, मजा आता है ऐसे एक दूसरे को वो करते हैं मतलब सही लपेटा है जो छोटे लिए टॉप तब, जैसे अफरीदी अफरीदी ने डिविलियर्स समझ लो मिस्टर 360 की तरह हर तरह से पहले है, मुझे क्यों निकाला कॉक भी गया, बट जो स्टार्ट किया था ना वहीं से बहुत हाई हो गया था, ये जंग अपनी लिए नहीं है पर अपने भाई के लिए लड़ेगा, यहाँ से दिल जीत लिया था, मतलब बंदा इसका दोस्त लिया है मैं और ये उसके लिए डिस बना दिया, वाओ कमाल। तो ये रिकमेंडेशन आपकी, थैंक यू थैंक यू, अगर आप लोग ऐसा रिकमेंड नहीं करते तो ये भाई अभी इतने खुश नहीं होते हैं, ऐसे और सॉन्ग रिकमेंड करें अगर हैं तो, बहुत हैं हैं तो बहुत, अब वो भी कमेंट करेंगे ना इस वीडियो, हमको ढूंढने बैठ जाएं तो फिर हम वीडियो एडिट कहाँ से करेंगे, सही बात है। तो ये था हमारा रिएक्शन जो इसकी सीरीज है, आप बता देना कि इसके बाद कौन सा आया था या इससे पहले कौन सा आया था, हम वो कर देंगे, ये जो रिकमेंडेशन थी तब हमने बता दिया, अगर मैं पता होता इससे पहले सब लाइन से करते हैं, बाकी ये तो बहुत पसंद है, आप देखते हैं आप सारे सब पे रिएक्ट करेंगे तो फिर हम बताएंगे कि सबसे ऊपर कौन सा ऑलरेडी स्ट्राइक था, लाइन से वन नंबर कौन था, टू पे कौन था, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर दिस रिकमेंडेशन। Thank you for watching this video until it is finished.